बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई तलहा उस्मान। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वॉलमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हम लोग कैसे करेंगे। कुछ भाइयों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं कि भाई आप बता सब कुछ रहे हो, काइंडली हमें एक चीज़ प्रॉपर स्टार्ट टू एंड बता दो कि एक आइटम मैंने हंट कर लिए, इसे लिस्ट किया सब कुछ। अभी मैं आपको बताऊंगा वॉलमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हुए आप किन चीज़ों का ख्याल करोगे और कैसी आइटम हंट करोगे। सबसे पहले क्या चीजें आपको चाहिए वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग के लिए, सबसे पहले ये वाली एक्सटेंशन होनी चाहिए, अमेजोन असिस्टेंट, कोई भी वीपीएन फ्री में हो जाए, अमेजोन डीएसक्यू व्यू, और ये एक न्यू है जिसमें प्राइस ब्लिंक। ये क्या करता है, कोई भी आइटम आप ओपन करोगे ना, उधर वो आइटम किसी और वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी तो वो आपको सामने बता देगा ये वाली आइटम इस वेबसाइट पर इतनी प्राइस में अवेलेबल है। आपको सर्च बाय गूगल करने की बजाय डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करोगे और उस आइटम पे उस वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ हंटिंग, आपको बताता हूँ वॉलमार्ट टू अमेजोन आप कैसे करोगे। ये मैंने ओपन कर लिया, मेरे सामने वॉलमार्ट आ गया। ठीक है, वॉलमार्ट पे आपको मैक्सिमम वॉलमार्ट का सबसे पहले मैं आपको ना इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। वॉलमार्ट पर अगर आप $35 से ऊपर की आइटम उठाते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। ठीक है, अगर $35 से नीचे की आइटम आप उठाओ तो आपको उस पर $6 पर आइटम शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ सेलर्स हैं जो वॉलमार्ट से आइटम्स उठाते हैं और वो 35 से कम होती है तो वो क्या करते हैं, मेंबरशिप वॉलमार्ट की बाय कर लेते हैं जिसमें उन्हें आइटम पर शिपिंग पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, फ्री शिपिंग होती है, लेकिन अगर 35 से कम वाली आप आइटम उठाते हो उसके लिए आपको सबसे पहले अमेजोन की मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स $100 है। ठीक है, और अगर आप मेंबरशिप नहीं बाय करना चाह रहे, आप वैसे ही लिस्ट करना चाह रहे हो आइटम, तो आप वैसे भी 35 से कम उठा सकते हो, बट उसमें फिर आपको ख्याल करना पड़ेगा $6 वॉलमार्ट की शिपिंग फी ऐड करनी पड़ेगी। और अगर आप 35 से ऊपर जाते हो तो फिर आपको वो फ्री मिल जाएगी आइटम। ठीक है, वॉलमार्ट पर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले जाएंगे हम, कोई भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, मेरा ऑलरेडी क्रिएट है अकाउंट, तो आपने क्या करना है, इधर जाके आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट में आपने अपनी डिटेल्स इंटर करनी है और एड्रेस आप पाकिस्तान या किसी और कंट्री का नहीं इंटर करोगे। ठीक है, क्लाइंट अगर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दे ठीक है, अगर नहीं वो करता तो फिर आपने अकाउंट क्रिएट के टाइम क्या करना है, किसी भी यूएसए में मैकडॉलन या किसी भी हॉस्पिटल किसी भी चीज का आपने ना एड्रेस उठाना और पुट कर देना है। अपना कार्ड अटैच नहीं करना हंटिंग के लिए, क्योंकि आप हंटिंग के लिए विदाउट कार्ड आइटम्स हंट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपके लिए कोई भी आइटम एक हंट करता हूँ। ये वॉलमार्ट मेरे ओपन है, ये अब डिपार्टमेंट्स हैं, आपको सबसे ज्यादा इधर आइटम्स कौन सी मिलेंगी, एक तो ग्रोसरी की आइटम्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, किचन की आइटम्स बहुत मिलेंगी, और बॉक्सेस वगैरह, फॉर एग्जांपल स्टोरेज बॉक्स, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, ये सारी आपके सामने आ गए इसके डिपार्टमेंट्स। जैसे आपको पता है अमेजोन पे भी चले जाते हैं, उधर हम सेलर में जाते हैं, बेस्ट सेलर में जाने के बाद डिपार्टमेंट्स आते हैं। इधर आप कोई भी अपनी मर्जी से ग्रोसरी में जाते हो, कोई एक कैटेगरी अपनी मर्जी से ओपन कर लो। ठीक है, और अगर आप अपनी मर्जी से कैटेगरी नहीं ओपन करना चाह रहे, फिर आप, फॉर एग्जांपल ये है, इधर से मैं कोई भी कैटेगरी ओपन करता हूँ। ठीक है, शॉप ऑल होम कर देता हूँ। इधर से आप कोई भी आइटम उठाओ, उठा के उसे अमेजोन पर हंट कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको आइटम्स अच्छी मिलेंगी और प्रॉफिट वाली आइटम्स मिलेंगी। ये सारी आइटम्स मेरे सामने हैं, मैं फॉर एग्जांपल इधर सर्च करता हूँ 3 ड्रॉर स्टोरेज। ठीक है, ये अप्रोक्स है ना अमेजोन पर बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा आइटम सेल होने वाली है। ये मैंने तकरीबन जहां पर भी सेल्स ना ना आए तो उधर आप ये इंटर कर दो तो आपको ये वाली आइटम से बहुत ज्यादा आइटम से नेक्स्ट मिलेंगी। ये अभी ये क्या पंगा डाल देते हैं अमेजोन वाले। एक सेकंड में इसकी वेरिफिकेशन कर लूँ, ये अमेजोन ने आजकल है ना पंगा बहुत डाला हुआ है।
ये मेरे सामने आ गए हैं स्टोरेज बॉक्सेस, ठीक है, ये सारे आ गए। सबसे पहले आप चेक करो वो वाला स्टोरेज बॉक्स उठाओ जिसके फीडबैक अच्छे हों और ज्यादा हों। एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें से मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, एक ये मैंने उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले वही बात आ गई, ये वाली आइटम $35 से नीचे है तो इस पर मुझे शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी मेंबरशिप बाय करूंगा, ठीक है। कोशिश भी यही आप करो कि आप जो भी आइटम उठाओ वो मोर देन 35 हो, ठीक है। अभी ये वाली आइटम मैंने ओपन की, ये वीपीएन लगाने की वजह से ना थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रहा है। ये मुझे इधर साइट पर अमेजोन असिस्टेंट ने बता दिया कि अमेजोन पर यह आइटम अवेलेबल है, बट एक चीज है कि ये अमेजोन पर जो अवेलेबल है व्हाइट कलर में आ रही है, ठीक है। शायद उधर वेरिएशंस अवेलेबल हो, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। और ये प्राइस लिंक आपको बता रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे ना ये आपको बता देगा कि किस किस वेबसाइट पे ये आइटम अवेलेबल है। ईबे पर भी है और मैक्स वेयर हाउस पे भी है, जहां जहां पर भी अवेलेबल है वहां वहां पे वो प्राइस कितने की मिल रही है, ठीक है, वो बता देगा। सबसे कम हमें मिल रही है वॉलमार्ट से, ठीक है। अब ये वाली आइटम मैंने इधर से ओपन किया, देखता हूँ इधर वेरिएशन है कलर की या नहीं। नहीं, इधर कलर की वेरिएशन नहीं है, तो मैं अभी क्या करूंगा, इसके टाइटल को उठाकर दोबारा सर्च करता हूं अमेजोन पर। मैंने ये वाली आइटम उठाकर अमेजोन पर दोबारा सर्च की तो मेरे सामने ये आइटम्स आ चुकी हैं, ठीक है। इसमें कोई पिक्चर आप देखो जो उधर भी हो, ये वाली आइटम है और इधर भी ये वाली आइटम पड़ी है, ठीक है। अमेजोन डीएसक्यू व्यू ने मुझे बाहर ही बता दिया इस आइटम पर इतने 28,000 BSR इस आइटम का, ठीक है। आइटम उठाने के काबिल है, मैं उस आइटम को उठा सकता हूँ। कोशिश करो 20,000 तक आप बना इन स्टार्टिंग कर लो, बट ये है कि अगर आपको नई आइटम मिलती तो आप उससे ज्यादा भी जा सकते हो। मैं अभी आपको हंटिंग बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में जाऊंगा ना इसमें, मैं आपको और आइटम्स भी हंट करके दिखाऊंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए, ठीक है। 28,000 है और आइटम ये मैच हो रही है, मैं इसे ओपन करता हूँ। मैच होने के बावजूद फिर मैं इस आइटम को इन डिटेल इसकी है ना, पहले तो मैं टाइटल को मैच करूंगा। थ्री ड्रॉ है, वन पैक है, एक आइटम है, थ्री ड्रॉ है और कलर दोनों का सेम है, दोनों का कलर सेम है। और ये शिपिंग दे रहे हैं, अगर इसको मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो टूमोरो इनकी डिलीवरी है, डिलीवरी भी इनकी फास्ट है, सब कुछ इस आइटम का ओके है। और ये मुझे मिल इतने की रही है, 29 की मिल रही है और सेल कितने की आइटम हो रही है, 41 की, ठीक है। एक सेकेंड, बस इंटरनेट थोड़ा सा वीपीएन की वजह से ना मसला कर रहा है। ये आइटम ओपन होगी, वो थोड़ा सा इंटरनेट का मसला आ रहा है जिस वजह से ना टाइम लग रहा है। अभी सबसे पहले मैं इसका टाइटल वगैरह मैच कर लिया, कलर इस आइटम का ओके है, सब कुछ ओके हो गया। उसके बाद देखूंगा इस आइटम को और कितने सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सेलर है, 15 सेलर इस आइटम को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मिनिमम ये कौन बंदा इसे सेल कर रहा है, पहले मैं ये चेक करता हूँ। ये एक ही बंदा है जिसके पास बाय बॉक्स है, उसके एक तो फीडबैक भी एक ही है और वो भी नेगेटिव है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आ रहा है उसके पास 176 है और इसकी डिलीवरी फास्ट है, ठीक है, और इसकी डिलीवरी लेट है, जिस वजह से इस बंदे के पास बाय बॉक्स है और इसके पास बाय बॉक्स नहीं है। अब ये है कि इस बंदे से बाय बॉक्स जैसे ही रोटेट होगा तो उम्मीद ये है कि इसी बंदे के पास बाय बॉक्स जाएगा। अगर तो आप ओल्ड हैं, आपका अकाउंट थोड़ा सा रनिंग में है, तो आप क्या करो कि जो आपका कंपेटिटिव है जिसके पास बाय बॉक्स है तो आपने उसे कम्पीट करना है। अगर आपका वो यानी अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, तो फिर आप क्या करो, हर आइटम को
बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना, सबसे कम प्राइस पर लगाओ कि आपके पास जितना हो सके बाय बॉक्स आने के चांसेस बढ़ते जाएं। ठीक है, बाय बॉक्स टाइटल ओके, पिक्चर ओके, मोर देन 3 FBM सेलर भी हैं और BSR इसका 20,000 है, सब कुछ ओके होगा। इस आइटम का सबसे कम कितने की सेल हो रही है, 39.99। अब मैंने इस पे प्रॉफिट चेक करना है, ये मैंने प्रॉफिट शीट बनाई थी, ओल्ड वीडियो आप चेक कर सकते हो जाकर यूट्यूब पर, जिसमें मैंने इन डिटेल बताया कि ये शीट कैसे आपने बनानी है। तो इधर मैं पेस्ट करता हूँ 39.99 की सेल प्राइस है इस आइटम की, और आइटम कॉस्ट क्या है मेरी, ये मेरी आइटम कॉस्ट है, और इस आइटम पर मुझे 4.01 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये आइटम की कॉस्ट है 29.35 से कम है, अगर मैं मेंबरशिप लेता हूँ तो मुझे ये प्रॉफिट इनफ है, अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मैं इस पे मेंबरशिप नहीं लेता तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लॉस में है। ठीक है, और आपको पता है टैक्स आपको हर आइटम के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है अमेजोन पर हर आइटम को बाय करते हैं तो उस पर हमें ना टैक्स पड़ता है, उस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वालमार्ट से। ये एक ऐड टू कार्ट में आइटम पड़ी है, पहले मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने आइटम ओपन कर ली और यहाँ पे आपको ना टैक्स नहीं शो करवाता कि कितना पड़ता होता है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे। कंटिन्यू टू मैं चेकआउट इसे करता हूँ, चेकआउट करने के बाद ये इधर मुझे एस्टिमेट परचेज टैक्स बता रहा है। ठीक है, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मुझे कितना पड़ रहा है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ अपना। इधर मैं लिखता हूँ 1.34, उसमें से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100, डिवाइड कर देता हूँ 20.28, 20.28, और मुझे 6.6% टैक्स पड़ रहा है इस आइटम पर। रैंडमली आपको हर आइटम पर 6.6, 6.4, 7 तक आपको टैक्स पड़ता है, और कुछ आइटम्स है जिसमें 7 से भी ज्यादा पड़ता है। तो हम रैंडमली इस हर आइटम पर शीट में 8% टैक्स एंटर करते होते हैं। ठीक है, अगर आप विदाउट टैक्स देखो तो आपको इतना प्रॉफिट है, अगर आप इसका 8 छोड़े, आप 6.6 भी लगाएं टैक्स, तो 7 7 आ गया रैंडमली, 7 टैक्स आप इस पे लगाते हो तो फिर इसको इसमें से आपको प्रॉफिट होता है 2.03%। ठीक है, और अगर आप इसी को 8 करते हो, 8% रखते हो, तो 1.61। हम क्या करते हैं, हम कुछ पे ज्यादा टैक्स होता है, कुछ पे कम होता है, तो इन चीजों से बचने के लिए हम एक 8% को डिसाइड करके वही फिक्स यूज करते हैं USA में, कि हमें हर आइटम पर वालमार्ट में हम 8% टैक्स ही यूज करेंगे। जब 8% मैंने टैक्स लगा दिया तो मुझे अब इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसे मैं स्टार्टिंग में, मेरा न्यू अकाउंट है तो मैं इस आइटम को लगाऊंगा तो मैं इसे 1.59 की 9 के हिसाब से इसका प्रॉफिट निकाल लूंगा, और जो सबसे लो प्राइस पर आइटम दे रहा है कस्टमर उससे कम प्राइस पे इस आइटम को लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा हंटिंग बताता हूँ मैंने क्या किया। वॉलमार्ट से कोई भी एक आइटम ओपन की, उस आइटम को ओपन करने के बाद मैंने उसका टाइटल उठाकर अमेजोन पर सर्च किया, BSR चेक किया, BSR अच्छा था उस आइटम का, फिर मैंने देखा 3 से ज्यादा उसके FBM सेलर वो भी थे, फिर मैंने क्या चेक किया उसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मेरे पास प्रॉफिट शीट है जो मैंने ऑलरेडी बनाने के, प्रॉफिट शीट के बारे में वीडियो बनाई है कि कैसे बनाते हैं, उसमें मैंने सब कुछ इजीली किया मैनुअली से, शीट बेटर है, बंदे जल्दी बंदे का टाइम सेव होता है इसमें। ठीक है, ये शीट में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, और उसमें अभी मैं क्या करूंगा, एक आइटम मुझे मिल गई, वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है कि जब एक आइटम मिल जाए तो ये जितने बंदे इस आइटम को सेल कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम सारे के सारे ड्रॉप शिपर होते हैं। जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है उसकी एक तो फीडबैक कम है, इसे मैं उठाता हूँ सबसे पहले। इस बंदे को मैंने ओपन कर लिया, इसकी प्रोडक्ट्स में गया और ये चेक कर रहा हूँ मैं बंदा ये कितने की आइटम सेल कर रहा है। ये बंदा मैक्सिमम 35 से नीचे है, कुछ 35 से ज्यादा आइटम्स हैं और सब ज्यादातर ग्रोसरी की आइटम्स हैं, और वालमार्ट से आपको ज्यादातर ग्रोसरी की आइटम्स ही मिलती हैं। अभी ये बंदा देखो 7.25 BSR है, अच्छा BSR है, और मैं इस आइटम को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैंने इस आइटम को ओपन किया तो इस आइटम पर 48 बंदे इस आइटम को सेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट ये है कि आप इसे कम्पीट करके बाय बॉक्स कैसे विन करोगे, एक तो आपके फीडबैक अच्छे हो एक चीज,
दूसरे नंबर पर आपका शिपिंग टाइम ठीक हो और प्राइस आपकी सबसे कम हो। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाली आइटम मुझे मिली है, मैं देखता हूँ ये बंदा वॉलमार्ट से ही आइटम्स उठा रहा है या कहाँ से उठा रहा है। मैंने इसी आइटम टाइटल को कॉपी किया, कॉपी करके मैं चला गया वॉलमार्ट पे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि टैक्स मैंने एक आपको ऑर्डर कोई भी मैनुअली जाके कैलकुलेट करके बता दिया कि आपको आइडिया हो जाए कि ये टैक्स जो पड़ता होता है किस तरह पड़ता है। अगर आप पर आइटम के हिसाब से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। कल को आपसे क्लाइंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि टैक्स जो पड़ता है आपको कैसे पता कितना पड़ता है और आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो फिर आप उसे ऐसे बता सकते हो कैलकुलेशन करके कि ऐसे ऐसे निकलता है टैक्स। मैंने इधर टाइटल कर दिया पेस्ट और इसे करता हूँ सर्च। ये कुछ आइटम्स मेरे सामने आ चुकी हैं और ये फर्स्ट वाली आइटम मुझे लग रही है, लेकिन मैं पहले मैच करूंगा। हाँ फर्स्ट वाली है, इसे मैं ओपन करके अब तसल्ली करूंगा अपनी। क्या करूंगा, सबसे पहले इस आइटम का मैं चेक करूंगा कि टाइटल सेम है और 12 पैक ये दे रहा है, 10 और 12 पैक, 10 ऑजी, और उसके पास पिक्चर्स दोनों की मैच है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, और 700 इसका BSR है और मोर देन 3 इस पे FBM सेलर है। सबसे कम कितने के बंदा सेल कर रहा है FBM सेलर, 29.34। शीट में आता हूँ, 29, ट्वेंटी नाइन पॉइंट 34 मेरी सेल प्राइस है, और इस पर मुझे ये आइटम मिल कितने की रही है, 19.98, 19.98, ठीक है। और इस आइटम पर 8% टैक्स डालने के बाद मुझे इस आइटम पर इतना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर इस आइटम में से मैं $3 भी बचा लूं कंपटीशन पे जाके, मैं इस आइटम में से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूं। और अगर इस आइटम पर मुझे शिपिंग पड़ती तो शीट में मैं इधर वो शिपिंग कॉस्ट भी ऐड कर लेता, तो वो भी मेरे साथ ही कैलकुलेट हो जाती, ठीक है। और अभी ये आइटम ओके है, मैं उठाऊंगा, उठा के अपनी शीट में रख लूंगा। और मुझसे मुझे इस चीज से एक आइडिया हो गया कि ये बंदा सारी आइटम्स अमेजोन से उठा रहा है और ड्रॉप शिपर बंदा है। मैं क्या करूंगा, इस बंदे के स्टोर का लिंक उठाऊंगा, उठा के अपनी शीट में एक न्यू पेज ऐड करूंगा, उधर इस बंदे का लिंक सेव कर लूंगा, और ओके या कुछ भी डन लिख लो, कुछ भी लिख दो। उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, अगर इस बंदे ने कोई भी आइटम न्यू हंट करके अपने पेज पे लगाई तो आप क्या करोगे, जस्ट उसकी आइटम उठाओगे, चेक करोगे कंपटीशन ओके है, तो आप उसी आइटम को उठाकर अपने स्टोर पर लगा सकते हो, ठीक है। ये चीजें थोड़े सा ना टेक्निकल चीजें होती हैं, आपको ना इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है जिससे आप अच्छी आइटम हंट कर सकते हो। कोशिश करो अच्छे ड्रॉप शिपर ढूंढो, अच्छे ड्रॉप शिपर ढूंढ कर शीट बना लो और उन्हीं ड्रॉप शिपर से आप आइटम्स उठाकर लिस्ट करना स्टार्ट कर दो। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये आइटम फॉर एग्जांपल ये आइटम थी, ये मेरी ओके हो गई आइटम है, इसका क्या करूंगा, असाइन नंबर उठाऊंगा, अमेजोन पर जाऊंगा, इधर पेस्ट करूंगा, असाइन सर्च करूंगा, BSR इधर भी बता रहा है ये, और कंडीशन मैंने आपको जैसे पुरानी वीडियो में बताया कि हमेशा न्यू करनी है और अप्लाई टू सेल कर देना। अगर इस पे अप्रूवल हुआ, ये देखो अभी ये कह रहा है कि आपको इस आइटम के लिए अप्रूवल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा अप्रूवल। अगर तो ये मुझे अप्रूवल देते हुए, तो अभी मुझे शो कर देंगे कि हाँ आपको अप्रूवल दे दिया, अदरवाइज ये मुझे कह देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं इस आइटम को छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी ये 5 10 तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। मैंने कर दिया, मैं दोबारा अप्लाई टू सेल करता हूँ, तो अभी तक नहीं दिया इन्होंने, 1 2 मिनट हम वेट करते हैं। ये देखिए वो कह रहे हैं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन टू सेल, ठीक है, मतलब कि ये इस आइटम पर मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा, मैं इस आइटम को सेल नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए आइटम इतनी कोई कारामंद नहीं है, इसे मैं बंद कर दूंगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, कोई सेकंड आइटम और उठाऊंगा, उसे हंट करूंगा, उसे हंट करके मैं इधर ला के पेस्ट करूंगा और सर्च करके देख लूंगा, अगर मुझे अप्रूवल मिलता हुआ तो ठीक है, अगर नहीं मिलता हुआ तो मैं इस आइटम को भी नहीं करूंगा, ठीक है। जिस आइटम पे मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तो उस आइटम को मैं एक्टिव कर दूंगा। और आपने कभी भी क्रिएट न्यू लिस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि आप B2B कर रहे हो, मी टू करके आप आइटम सेल करोगे।
ये सारी चीजें मैंने हंटिंग आपको बता दी हैं। बाकी आपको लिस्टिंग की एक वीडियो मेरी इससे पहले बनी पड़ी है, उसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियो कैसे आइटम को लिस्ट कैसे करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अभी इसमें एक चीज रहती है मेरी बताने वाली, वो मैं अभी आपको लास्ट पे जल्दी से बता देता हूँ। आप जब वालमार्ट से कुछ आइटम्स हंट करोगे ना, आप एक चीज नोट करोगे कि वो चीज वालमार्ट पर अवेलेबल भी है और जो सेलर सेल कर रहा है वो पूरे पूरे पैसों में सेल कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट कैसे हो रहा है? ठीक है, वहां पे आके ना बंदा थोड़ा सा स्टक हो जाता है, बंदा टेंशन क्रिएट हो जाती है कि यार ये बंदा उठा भी वालमार्ट से रहा है, सारी आइटम्स वालमार्ट की हैं, BSR सब कुछ ओके है, पर समझ नहीं आ रही है बंदा पूरे पूरे पैसों में सेल करके पैसे कहाँ से बचा रहा है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले करता है वो सेलर इधर आके अपनी टैक्स एग्जेम्पशन करवाता है, जो 8% वो पे कर रहा है ना टैक्स, वो उसका एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो करवा देते हैं, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करवा के दे रहा, अभी आप इसे करो, जब कुछ आउटपुट आएगी तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसी आइटम में मैं 8% को माइनस कर देता हूँ तो आपका प्रॉफिट देख लो, $1 वैसे ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, 1 से 2, वो 8% के हिसाब से जितनी भी होगी आपकी प्राइस वैसे बढ़ जाएगा, एक चीज। दूसरे नंबर पर वालमार्ट में जब भी आप कोई भी ऑर्डर्स प्रोसेस करते हो ना, तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए 5% कैशबैक मिलता है। आप अगर इधर आकर सर्च करो ना वालमार्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर, ठीक है, मैं इस चीज को सर्च करता हूं, वो देखें वालमार्ट क्रेडिट कार्ड अर्न 5% बैक। इसमें क्या होता है, आपने इधर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आ जाता है कि आपने ना अप्लाई करना होता है 5% बैक के लिए, अप्लाई इधर करोगे करोगे आप तो हर आइटम पर आपको 5% बैक मिलेगा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करोगे। 5% इधर से सेव कर लिया बंदे ने, 8% टैक्स एग्जेम्पशन से सेव कर लिया, तो वो बंदे का प्रॉफिट आप खुद ही देख लो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीका ये होता है, एक होता है गिफ्ट कार्ड्स के जरिए, वो क्या है, उसके लिए आप गिफ्ट कार्ड बाय करते हो जिसे आप आइटम्स परचेज करते हो, और अगर किसी बंदे को अच्छा डिस्काउंट चाहिए वॉलमार्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, उसमें क्या होगा, ना आपको अपना गिफ्ट कार्ड यूज करना पड़ेगा उसमें, ना आपको अपना डेबिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं यूज करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली हर आइटम पर डिस्काउंट हम देंगे, हमारी एक प्रॉपर कंपनी है जो आपको अच्छा डिस्काउंट देगी। जो बंदे भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो वॉलमार्ट पर डिस्काउंट लेना चाहें, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे उन्हें मैं डिटेल में इस चीज के बारे में बताऊंगा ये चीज क्या है और डिस्काउंट कैसे देंगे हम उन्हें, ठीक है, और कितना परसेंट उन्हें डिस्काउंट देंगे और क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें उन्हें हम डिटेल में बताएंगे। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पॉइंट पे दोबारा आता हूँ, सारा मैंने आपको बता दिया वॉलमार्ट पे हंटिंग कैसे करते हैं, तो अभी सारा प्रोसीजर रिवाइज करता हूँ। आप किसी भी कैटेगरी में जाओ, आइटम को हंट करो, हंट करने के बाद उसी आइटम को अमेजोन पर देखो, अमेजोन पर देखने के बाद BSR देखो, BSR अच्छा है, FBM सेलर है, ये चीजें चेक करो, FBM सेलर होने के बाद उसके बाद उसकी प्राइसेस कंपेयर करो। प्राइसेस कंपेयर करने के लिए आपने एक शीट बना लेनी है, और कोई भी आइटम आप परचेज करते हो अगर 35 से कम हुई तो आपको शिपिंग पे करनी पड़ेगी, उससे बचने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो अप्रोक्स $100 की होगी, और $8 आपको टैक्स पड़ेगा, वो भी मैंने आपको कैलकुलेशन बता चुका हूँ, और फिर आपने उसी आइटम का स्टोर ओपन कर लेना है, स्टोर ओपन करके आपने उसकी अकेली अकेली आइटम को हंट कर लेना है ईबे पर, जस्ट इतना काम है, और आपको वॉलमार्ट से अच्छी आइटम्स मिलेंगी और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये है कि कुछ आइटम्स हैं जिसमें से 1, 2, 3 आपको डॉलर भी बचेंगे स्टार्टिंग में, कोई मसला नहीं, आपने बचाने हैं, अपने स्टोर की थोड़ी सी हेल्थ बनानी है, थोड़ी से ग्रो करना है स्टोर को, फिर उससे आपको जब बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाए फिर आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हो। और यही चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, तो बाकी किसी भाई का प्रॉब्लम हो, किसी भाई को इसमें कोई भी इश्यू हो, समझ ना आ रही हो, वो डिस्काउंट में ऑर्डर लगवाना चाह रहा हो, या कोई भी मसला हो, वो डायरेक्ट मेरे से इंस्टा पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसे इन डिटेल गाइड कर दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखना, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। खुदा हाफिज।